नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, लेक्चरर इन बायोलॉजी, और आपने कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी। ये आज का लेक्चर वीडियो है, वो प्लस टू एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो अपने से जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में अपने सीखने वाले हैं सामान्य परिचय और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास क्या रहा है बायोटेक्नोलॉजी का या फिर जैव प्रौद्योगिकी का। अपने कुछ नाम पढ़ेंगे, कुछ वैज्ञानिकों के नाम, कुछ बुद्धिजीवियों के नाम, कुछ बायोटेक्नोलॉजिस्ट के नाम जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है किस क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने क्या कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से, लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने कुछ एग्जांपल लिए थे, उन एग्जांपल के बेस पर, उन उदाहरणों के बेस पर अपने सीखा कि वाकई में जैव प्रौद्योगिकी क्या है। एक मोटा मोटा अंदाजा अपने को मिल गया था। आज अपने और थोड़ा उसी लेक्चर वीडियो को और आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपने कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये पूरा फोकस रहेगा, पूरा अपना जो केंद्रित रहेगा, ये जो वीडियो है वो अपना केंद्रित रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी इतिहास के बारे में कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या कार्य किए, और साथ में कुछ टर्म्स है, कुछ शब्दावली जिनका अर्थ अपने को मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है इनविट्रो कल्चर, किसको बोलते हैं इनविट्रो, और हिंदी में बात करें तो पात्र संवर्धन। क्या बोलेंगे? पात्र संवर्धन। इनविट्रो या फिर पात्र संवर्धन, इसमें लिखा है पात्र संवर्धन, इनविट्रो कल्चर। देखिए, बाहर पौधे लगे हुए, एक मोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अपने, बाहर पेड़ पौधे लगे हुए मिट्टी के अंदर लगते हैं, उन्हीं को अगर अपने लैब के अंदर लगाएं, पात्र के अंदर लगाएं, पेड़ पौधों का जो प्राकृतिक आवास है उससे हटाकर उसको लैब के अंदर तैयार किया जाए, पात्र के अंदर तैयार किया जाए, या कह सकते हैं फ्लास्क हो गया, बिकर हो गया, उनके अंदर अगर अपने लगाए उनको, तो इस विधि को क्या बोलेंगे, इन विट्रो कल्चर या पात्र संवर्धन। इसी तरह से अगर शरीर के अंदर अपने अंग हैं, हृदय अपना, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, इन्हीं को अगर अपने लैब के अंदर कल्चर करवाएं, कल्चर करवाने का मतलब या संवर्धन करवाने का अर्थ है उनको निर्मित करवाना, तो उस विधि को क्या बोलेंगे, पात्र संवर्धन। ठीक है, तो ऐसा ही काम अपने बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, सब कुछ आर्टिफिशियली करते हैं, मैनमेड होता है, कृत्रिम रूप से कार्य करते हैं, तो कृत्रिम रूप से कार्य करने का अर्थ है पात्र संवर्धन, या कह सकते हैं प्राकृतिक आवास से बाहर कोई कार्य अगर करते हैं उसको बोलेंगे पात्र संवर्धन। ठीक है, दूसरी बात आती है पारजीवी जंतु या पादप, इसको अपने लिख सकते हैं ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स, ट्रांसजेनिक पादप, आप इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं, पारजीवी जंतु या पारजीवी पादप, या कह सकते हैं ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु। ये क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर वीडियो में अपनों ने सीखा कि बीटी कॉटन कैसे तैयार होता है, उसमें क्राइजिन था, क्राइजिन अपनों ने कहां से निकाला, बीटी से, बीटी मतलब बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसमें क्राइजिन मिलता है, उसको निकाल लेते हैं और कपास के पौधे में डाल देते हैं, इस तरह से निर्मित कपास के पौधे को अपने बोलते हैं बीटी कपास, और मैंने वहां एक नाम लिया था जीएमपी। क्या बात कर रहा हूं, जीएमपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इसका मतलब क्या हुआ, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप का अर्थ क्या हुआ कि उस कपास के पौधे में अपने बाहर से जीन डाला है, बाहर से बाहरी जीन, फॉरेन जीन डाला है, वांछित जीन की निवेशना की है उसके अंदर, वांछित जीन को डाला है उसके अंदर, तो बाहरी जीन डालने से, उस कपास के पौधे में बाहरी जीन डालने से उनकी जो जीनी संरचना है उस कपास के पौधे की वो बदल गई है, तभी बोला गया अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप,
और अब वो तैयार है गुलाबी सुंडी से लड़ने के लिए, पिंक बॉल वर्म से फाइट करने के लिए। तो इस प्रकार अपने कीट प्रतिरोधी पादप तैयार किए। तो ये उदाहरण है किसका, पारजीवी जंतु या पादप का। इसी तरह से जंतुओं में भी अपने क्या डाल सकते हैं, बाहरी जीन को, बाहरी वांछित जीन को निवेशित करवाया जा सकता है। तो नए जो जंतु या पादप तैयार होंगे जिनके अंदर बदलाव किया उन्होंने, जिनकी जीनी संरचना में बदलाव किया है, उनको अपने बोलेंगे पारजीवी जंतु या पादप या ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, थर्ड अपने पास क्या है, पादप जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपने समझ चुके हैं, क्या करते हैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ है जैव प्लस प्रौद्योगिकी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। जो जीवित जीव हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गए, पादप हो गए, जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, इन सबके अंदर वाइटल एक्टिविटी चलती है, इन सबके अंदर जैविक परिघटनाएं चलती है और उनके फलस्वरूप उपयोगी पदार्थ बनते हैं, उपयोगी प्रोटीन बनता है। उसी प्रोटीन को अपने तकनीक की सहायता से निकाल लेते हैं और मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये तकनीक, ये विधि क्या है, ये तरीका क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। वही तरीका जब अपने किसी पादप के ऊपर आजमाते हैं, पादप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पादप जैव प्रौद्योगिकी। क्यों करते हैं, वही उदाहरण ले लो आप, जिस तरह से बीटी कॉटन है वो क्यों तैयार किया गया, ताकि वो गुलाबी सुंडी से अपने आप लड़ पाए। कीट प्रतिरोधी पादप तैयार करने के पीछे कीट प्रतिरोधी पादप तैयार करना अपना मुख्य उद्देश्य था, जो कीट से अपने आप लड़े। क्राइजीन डालने से क्या होगा, वो क्राइजीन उस पादप के अंदर जाकर क्राई प्रोटीन बनाएगा और जैसे ही पिंक बॉल बम या गुलाबी सुंडी उसको खाने की कोशिश करेगा तो उसके मिडगट में, उसके मध्यांतर में जाने के बाद वो क्राई प्रोटीन सक्रिय होगा और उसकी आंतों को फाड़ डालेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये काम क्यों किया आपने, उस पादप को अपने जीएमपी क्यों बनाया, उस पादप के अंदर अपने क्राइजीन क्यों डाला, ताकि वो अपने आप लड़ पाए किससे, गुलाबी सुंडी से, और उत्पादनशीलता है वो बढ़ पाए। तो पादपों के अंदर गुणवत्ता सुधार करना या उनकी उत्पादनशीलता को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, उस शाखा को बोलेंगे पादप जैव प्रौद्योगिकी। समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी और एक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग शाखाएं बन गई। कह सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी है वो दो शाखाओं में बांट रखी है, या कहा जा सकता है कि एक वो भाग है जैव प्रौद्योगिकी का जिसको प्राचीन, जो पुराने समय से चली आ रही है, उसको बोलते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, और ये जो अपना वर्तमान समय है, रिसेंट टाइम है, उसमें जो उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी में कार्य किए हैं उनको रखा जाएगा किसमें, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में। इसके कुछ उदाहरण है दोनों के, इससे आप समझ जाओगे कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी में फर्क क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, पुरानी तकनीकें हैं जैव प्रौद्योगिकी की, उनकी बात कर लेते हैं। ये जो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी शाखा है वो पूरी तरह से बेस्ड थी, पूरी तरह से केंद्रित थी किसके ऊपर, सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाविधि होती है, सूक्ष्म जीवों की जो एक्टिविटी होती है, सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधि करते हैं वो, सूक्ष्म जीवों का जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय क्रियाएं करते हैं, सब कुछ सूक्ष्म जीवों पर ही केंद्रित था। सूक्ष्म जीवों की जो उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, जो शरीर के अंदर चलती रहती हैं, उन्हीं उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ उपयोगी पदार्थ बनते हैं जो अपने मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाते हैं। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर एल्कोहल, पेनिसिलिन, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करना, क्या क्या लिख रहा हूं, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है, एल्कोहल, एल्कोहल का उत्पादन करना,
शराब का उत्पादन करना, इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। साथ में दूसरा उदाहरण क्या लिखा जा सकता है, पेनिसिलिन ये क्या होता है, ये एंटीबायोटिक है, बहुप्रचलित सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो खोजी गई वो कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। और अल्कोहल के साथ पेनिसिलिन लिखा हुआ है, पेनिसिलिन क्या था, सर्वप्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। क्या होता है पेनिसिलिन, क्या होता है एंटीबायोटिक, ये वो पदार्थ होते हैं जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त किए जाते हैं, ये वो प्रोटीन है जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं और किसी दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को संदमित करने के लिए काम में लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक सूक्ष्म जीव का प्रोटीन है वो दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए घातक होता है और इसी धारणा पर, इसी अवधारणा पर काम कौन करता है, एंटीबायोटिक या इसको क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। और सबसे पहला खोजा गया जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन, अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं, पेनिसिलिन का उत्पादन किया गया और सिट्रिक अम्ल, एक उदाहरण हो रहा था सिट्रिक अम्ल का उत्पादन ही प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है जिसका मुख्य आधार क्या है, सूक्ष्म जीव, उनकी क्रियाविधि, उनकी उपापचय क्रियाएं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपने आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर अपने काम में रहते हैं पीटीसी, ये आज के तरीके हैं, बस हुआ कुछ नहीं है, इन्हीं को, इसी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी को और एडवांस कर दिया गया है और इसको अपने, इसका उदाहरण क्या होगा, प्लांट टिश्यू कल्चर पीटीसी, एटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं, पादप का सबसे छोटा भाग, यहां तक कि कोशिका से भी एक नया पादप तैयार करने की जो कला है उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। इसी तरह से जंतु उत्तक संवर्धन, एनिमल टिश्यू कल्चर, जिसमें अपने जंतु का कोई उत्तक लेते हैं और उसको कृत्रिम माध्यम में, जिस तरह से मैंने बताया था, पात्र संवर्धन करते हैं और जंतु के जो अंग होते हैं वो पूरा अंग अपने तैयार किया जा सकता है, किसके माध्यम से, एटीसी के माध्यम से, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर पीटीसी और एटीसी के बाद में, इंसुलिन, जाना माना बात की थी अपनों ने, इंसुलिन, इंसुलिन वो हार्मोन है जो अपना अग्नाशय स्रावित करता है और शरीर के अंदर जो शर्करा का स्तर है उसको नियंत्रित रखता है, वरना इसकी कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज, मधुमेह। तो ये भी अपनों ने सीखा कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अपने बना सकते हैं, इकोलाई का यूज करते हैं इसमें, होस्ट सेल या फिर जो परकोशी कोशिका होती है, इकोलाई काम में ली जाती है जो कि एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर अपने इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो क्या करवाते हैं, निवेशित करवाते हैं और उससे बहुत सारी कॉपी तैयार होती है उस जीन की और वो जीन आगे चलकर इंसुलिन का उत्पादन करने लग जाता है।
ठीक है। तो ये दो उदाहरण किसके होंगे, पीटीसी एटीसी और इंसुलिन, ये आपने लिखेंगे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में, जबकि पुरानी जो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है उसमें सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव प्रौद्योगिकी का नाम लिखा जाता है, जैसे कि अल्कोहल का उत्पादन करना, पेनिसिलिन बनाना और सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करना। चलिए ठीक है, आगे देखो पॉल पर, इसमें डेट नहीं डाली, डेट डाल देता हूं 1972 की बात है। पॉल बर्ग को क्या बोला गया है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के पिता, इनको बोला गया है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी के जनक या पिता, किनको बोला गया, पॉल बर्ग को, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक। ये क्या चीज है, जब जीन के अंदर, डीएनए के अंदर, गुणसूत्रों के अंदर काट छांट करके या नया जीन डालकर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है तो उस तकनीक को बोलते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। वो आगे पढ़ेंगे डीपली, उसके सिद्धांत पढ़ेंगे। तो कह सकते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी एक शाखा है, एक तकनीक है, एक विधि है, किसकी, जैव प्रौद्योगिकी की ही एक विधि है, एक तरीका है, जिसमें अपने दो अलग अलग प्रजाति के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसके जनक सबसे पहले वो काम किसने किया, पॉल बर्ग ने 1972 में, उन्होंने आरडीटी का निर्माण कर लिया। आरडीटी जिसको अपने आनुवंशिकी अभियांत्रिकी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरे शब्दों में बात करें तो विधि का प्रतिवेदन, इस विधि को इजाद किसने किया, पॉल बर्ग ने 1972 में। जीन के अंदर काट छांट करके नया जीन तैयार करना, नया डीएनए तैयार करना, वो किसने सिखाया, पॉल बर्ग ने 1972 में, इसलिए इनको बोलते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक। एक नाम और आता है, वहां लिखा हुआ स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये 1973 की बात है, 1973। हिंदी में और लिख देता हूं, स्टैनले कोहन, यहां लिख देते हैं स्टैनली भी बोला जा सकता है, स्टैनले बोल सकते हो, स्टैनले कोहन। और दूसरा एक नाम और है, हर्बर्ट बॉयर, हर्बर्ट बॉयर, शॉर्ट में लिख सकते हैं कोहन एंड बॉयर। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1973 के अंदर क्या काम किया, साल्मोनेला टाइफी, क्या बात कर रहा हूं, साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफॉइड कोज करता है, जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है अपने को, बुखार होता है। दूसरा नाम क्या है, इकोलाई, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दो अलग अलग प्रजाति के क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु, इनका जीन आपस में मिक्स करवाया हूं, जीन आपस में संयोजित करवाकर एक नया जीन तैयार किया, एक नया जीव तैयार किया। तो कह सकते हैं सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक जीव था, पहले मैं बात कर चुका हूं, पार्जनी जंतु या पादकगण, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल, वो सबसे पहले वो ट्रांसजेनिक जीव किसने तैयार किया, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहन ने 1973 में। और किस पे काम किया, यहां लिख देता हूं, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहन ने काम किया, किसके ऊपर काम किया, अपने कहेंगे साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, और दूसरा क्या है, दूसरा बैक्टीरिया है इकोलाई। इन दोनों के जीन को आपस में मिलाया, संयोजित करवाया और एक नया जीन तैयार किया, कह सकते एक नया जीव तैयार किया इन दोनों के डीएनए को मिलाकर, और वो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल था या ट्रांसजेनिक प्लांट था या जो भी आप मानो, वो ट्रांसजेनिक जीव था सबसे पहला, पार्जनी जंतु या पार्जनी पादप जिसको बोलते हैं। तो ये सबसे पहला प्रयोग किसने किया, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने। तो जब पूछा जाए कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए किसने तैयार किया, तो नाम आएगा किसका, किसका, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर का 1973 में, जिसको अपने कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उन्होंने काम किया साल्मोनेला टाइफी और इकोलाई, दो बैक्टीरिया के जीन को आपस में मिलाया और पहला आरडीएनए तैयार किया। किसकी बात कर रहा हूं, आरडीएनए, इसको पुनर्योगज डीएनए भी बोला गया, यहां पर अपने बात करेंगे पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए, आर का बनता है रिकॉम्बिनेंट, हिंदी में बोलते हैं उसको पुनर्योगज, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, या आरडीएनए क्या होता है,
दो अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को आपस में संयोजित करके नया डीएनए जो तैयार होगा उसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और वो सबसे पहले किसने तैयार किया, ये आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए किसने तैयार किया, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहन ने 1973। और अगर पूछा जाए कि अनुवांश की अभियांत्रिकी के जनक कौन है तो अपना नाम आएगा पोलबर्ग 1972। ये वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अनुवांश की अभियांत्रिकी की खोज की, या कह सकते हैं अनुवांश की अभियांत्रिकी के तरीके बताए हमें किस तरह से जीन में काट छांट की जाती है, तो नाम आता है पोलबर्ग का। उसके बाद अनुवांश की अभियांत्रिकी क्या है उसके बारे में बोल चुका हूं बहुत बार, अभी मैंने बताया दोबारा कि जीन के अंदर काट छांट करेंगे, अनुवांशिक पदार्थ के अंदर जब काट छांट की जाती है नया डीएनए तैयार किया जाता है, इसका उत्पाद क्या बनेगा, पुनर्योगज डीएनए। जो नया डीएनए काट छांट करने के बाद नया डीएनए तैयार करेंगे उसको अपने पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं, ये दोबारा से तैयार किया गया डीएनए, और इस विधि का नाम है अनुवांश की अभियांत्रिकी जिसके अंतर्गत अपने पुनर्योगज डीएनए तैयार करते हैं। लास्ट में बच गए अपने कैरिबिमुलिस, क्या लिखा हुआ है हिंदी में वो लिख देते हैं इसी नाम को, कैरी बी मुलिस। आजकल एक नाम चल रहा है कोरोना के रिगार्डिंग, कोरोना की जब बात की जाती है कोरोना टेस्ट की बात की जाती है तो वहां आता है आरटीपीसीआर, किसका नाम लिखते हैं अपने आरटीपीसीआर। अगर इसको पूरा फैलाकर लिखें तो ये आर का बनेगा यहां पर रिवर्स, टी का बनेगा ट्रांसक्रिप्टेज या ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर का बनेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये वो विधि है जिसके अंतर्गत अपने कोरोना की जांच करवाते हैं कोविड-19 की। अपने सिर्फ इतना याद रखेंगे फिलहाल के लिए, आरटी को एक बार भूल जाओ ये एडवांस्ड हो गया, तो पीसीआर की खोज की, तो इस पीसीआर की खोज किसने की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाकई में एक मशीन है एक डिवाइस है जिसकी खोज सबसे पहले की कैरी बी मुलिस ने। और ये एक ऐसी युक्ति ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से अपने वांछित जीन की हजारों लाखों कॉपियां तैयार कर सकते हैं और उसका साइज उसका लेंथ उसकी लंबाई भी बढ़ाई जा सकती है। तो वो सबसे पहले किसने ईजाद किया, इसका निर्माण किसने किया, कैरी बी मुलिस ने 1983 में, डेट और डाल देते हैं 1983 के अंदर सबसे पहले कैरी बी मुलिस ने इस मशीन का आविष्कार किया जिसके अंदर अगर अपने वांछित जीन जिस तरह से क्राइजीन था अगर उसको डाल दें तो अगर वो सिंगल है तो उसकी लाखों कॉपियां अपने को मिल सकती है एक ही समय, और साथ में उसकी लेंथ उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। तो कैरी बी मुलिस का नाम लिया जाता है पीसीआर के संदर्भ में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। या आज का लेक्चर वीडियो यहीं पर समेटता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और इसको आप इसके पीडीएफ नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।